नमस्कार, ठीक है सब गुड। आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले यानी ये नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन, ओके, अष्टमी और नवमी के दिन हमारा देश यूके और यूएस से भी ज़्यादा पैसे वाला हो गया। जोक लग रहा है आपको, है ना? अच्छा, ये देश इतना बड़ा पैसे वाला हो गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जाहिल लोग और अंधविश्वास लोगों की वजह से। ये भी मानने जैसी बात है ना? अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। देखो, एजुकेशन लेके कोई डिग्री लेना, इसका मतलब आदमी एजुकेटेड हो गया, ये बात नहीं हो सकती है, ठीक है। उसको ज्ञान होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, और तभी वो आदमी एजुकेटेड होता है। अब बताता हूँ मैं आपको, एक नारियल की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच में है। एक नारियल की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच में, ठीक है। अभी अष्टमी और नवमी के दिन लोगों ने एक कुंड बनाया, आग का कुंड, जिसको हम हवन कुंड बोलते हैं, उसको हवन का नाम दे दिया, ठीक है, चलो दे दिया, अच्छी बात। अब हुआ क्या, उस दिन पूरे देश में, पूरे देश के हर एक गांव में, शहर में, कस्बे में, सोसाइटीज में, छोटी छोटी सोसाइटीज में लाखों करोड़ों हवन कुंड जल गए, उसमें करोड़ों रुपए के नारियल जल गए, ठीक है। अच्छा, ये नारियल जलाए क्यों, किसी को पता नहीं। हवन कुंड क्यों होता है, किसी को उसका पता नहीं है। अच्छा, और ये नारियल, इतने सारे नारियल पूरे देश भर में, इतने सारे नारियल जलाए गए। अच्छा, इसको जलाने से हमारा फायदा क्या हुआ, पता नहीं है। अच्छा, हमारे देश का क्या फायदा हुआ, पता नहीं। अरे जाहिलों, अनएजुकेटेड गधों, अंधविश्वासु लोगों, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग दिमाग तो होता ही नहीं है, जो अंधविश्वास हुए उसके बाद दिमाग होता है। अंधविश्वास में कुछ भी कर गुजरता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो अंधविश्वास से भरा हुआ है, उसके अंदर अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद की हाइट देखो, दशहरे के दिन लोगों ने वो भगवान को जो हार चढ़ाते हैं, फूलों के हार होते हैं, गेंदे का फूल होता है, उसके बाद आम का पत्ता लगा होता है, ऐसा एक लंबा सा हार होता है, वो अपनी बाइक पे, कार पे लगा दिया। बोलो, ये प्रथा मैंने कभी इतने साल में देखी नहीं जितने हार मैंने इस साल देखे। अरे गधों, इतनी तो दिमाग, इतना तो अक्कल होनी चाहिए, जो फूल, जो पत्ते, जो हार भगवान को चढ़ता है, वो आप एक लोखंड की गाड़ी पे चढ़ा रहे, उसको दिन भर ले लेके घूम रहे, उस पर धूल मट्टी कीचड़ सब कुछ लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे? करोड़ों रुपये के नारियल, करोड़ों रुपये के फूल फूंक दिए, ठीक है, और वो पूरा कचरा इकट्ठा कर लिया। अब वो कचरा गया कहाँ, कचरा गया कहाँ? अरे कचरा तो बीएमसी साफ करके लेके जाएगी कचरे की गाड़ी में। तुम्हारे दिमाग में जो अंधविश्वास का कचरा भरा है, उसको कौन निकालेगा? बाहर निकलो बाहर। खुद को मॉडर्नाइज बोल रहे, टी शर्ट जींस पहन के घूम रहे, मोबाइल हाथ में, एंड्रॉयड फोन, खुद को डिजिटलाइज बता रहे, ठीक है, हम डिजिटल इंडिया में, ठीक है, मॉडर्नाइज हो गए, लेकिन दिमाग के अंदर से, अंदर खून के अंदर से वो अंधविश्वास का कीड़ा, अंधविश्वास का भूत निकला नहीं अभी तक, और वो शायद हजारों साल तक निकलेगा नहीं। पहले जाके लॉजिक ढूंढो, गाड़ी पे हार चढ़ाने से होता क्या है, और हवन कुंड में नारियल जलाने से होता क्या है, बाद में ये काम करो, ठीक है। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग, दिमाग नहीं है क्या, थोड़ा सोचो, नहीं सोच सकते, है ना, नहीं सोचना ही नहीं है, उसने किया इसलिए मैं करेगा, उसके सोसाइटी में हवन हुआ तो मेरी सोसाइटी में भी होना चाहिए, उसने नारियल डाला तो मैं भी नारियल डालूंगा, है ना। बस इसी की वजह से हमारा देश पीछे है, इसी की वजह से, अंधविश्वासों और जाहिल लोगों की वजह से हमारा देश अब पीछे है, ठीक है। करोड़ों रुपये के नारियल जला सकते हैं, मगर किसी को कोई मदद नहीं कर सकता है, आगे आके किसी को मदद करने का नहीं है, बस नारियल जलाने का, टाटा बाय बाय।